ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे। ये वेरिएंट आता है डार्क एडिशन के अंदर। इसके अंदर आपको सिर्फ दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो गन मेटल ग्रे जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, और दूसरा कलर आता है स्टेल्थ ब्लैक, यानी कि डार्क एडिशन के अंदर स्टेल्थ ब्लैक, ब्लैक कलर का, जो कि मैट ब्लैक भी इसको कहते हैं। ये एक चीज हो जाती है। दूसरा, ये जो वेरियंट आता है ये सेकेंड टॉप वेरियंट होता है, यानी कि ऊपर से क्रोम के बाद नीचे जो वेरियंट आता है वो आता है गन मेटल ग्रे, ये वाला वेरियंट, ठीक है। इसकी प्राइसिंग आती है 2,55,000 रुपये ऑन रोड डेली के अंदर। एक्सेसरीज आपको अलग से लेनी पड़ती है, वो सभी डिटेल में अभी आपको आगे वीडियो बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि किक क्यों हटा दी है रॉयल एनफील्ड ने और अदर कंपनीज ने, तो क्या किक हटाने के बाद अब वो बाइक्स में वो दम नहीं रहा, कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, पैसे बचाती है, ये सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में भर भर के आते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो या आप सोचते हो कि किक हटाने के बाद बाइक्स खराब हो गई हैं, या जब तक बाइक्स के अंदर किक्स आती थी तब तक ही बाइक अच्छी थी। R15 FZ, ये दो बाइक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। यामाहा की ये बाइक्स आती है। R15 में फ्यूल इंजेक्टर इंजन आया और उसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स आने के बाद से उसमें किक हटा दी गई थी। तो क्या आपने कभी रोड पे देखा है R15 का सेल्फ काम नहीं कर रहा और उसको धक्का मार रहे हैं लोग रोड पे? तो ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आते हैं। यही काम सभी कंपनीज धीरे धीरे अपनी बाइक्स में कर रही हैं। कार्बोरेटेड इंजन पहले आता था और अभी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली बताने वाला हूं, तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एक ब्रेन होता है किसी भी इंजन का, जिसको कहते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि प्रॉपर सेंसर्स के थ्रू पूरा डेटा कलेक्ट करता है, थ्रॉटल पोजीशन, क्रैंक स्पीड, मैनिफोल्ड प्रेशर, और ये सब चीजें वर्क करती हैं। 2023 के बाद अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के बाद इसके अंदर E20 का भी अपडेट, यानी कि फ्लैक्स फ्यूल अब इसके अंदर आप डलवा सकते हो। E20 यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ में चलेगी, और नॉर्मल पेट्रोल भी आप इसमें डलवा के चला सकते हो। 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आता है। माइलेज इसका मिलता है 30 से 35, यानी 35 km/h का आराम से मिल सकता है। यहाँ पे टैंक पे आपको टैंक पैड मिल जाते हैं इस वेरियंट के अंदर। सेकंड टॉप वेरियंट रॉयल एनफील्ड का लोगो जो कि 3D में मिलता है, ये काफी अच्छा लगता है देखने में। और इसका जो कलर है मैट ब्लैक टच के साथ में, पूरी बाइक्स में आपको टच देखने का मिलेगा ब्लैक का, जो काफी अच्छा लगता है, काफी इनहेंस करता है, ट्रेंडिंग में रहता है कलर। ये है जे सीरीज का इंजन, 349cc का, बहुत ही पावरफुल एडवांस इसको बनाया गया है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक कर दी है अब क्लासिक 350। यहाँ पे आपको ये इंजन पूरा मैट ब्लैक के साथ मिलता है, जिसको अब आपको मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है यहाँ। और साथ ही पूरा मैट मिलता है एग्जॉस्ट के ऊपर, यानी कि एग्जॉस्ट के ऊपर मैट फिनिशिंग दी गई है। छोटा साइज का एग्जॉस्ट है बट अच्छा लगता है देखने में। और ऊपर की साइड में रोटेटेड टाइप के स्विचेस, जो कि मेटियोर में भी आते हैं, और स्विचेस की पोजीशन सेंटर में आइडल कंडीशन है, राइट में ऑफ हो जाती है, और अगर आप उसको लेफ्ट में प्रेस करते हो तो स्टार्ट होती है। साउंड सुन लेते हैं एक बार। तो नो डाउट अब पहले से ज़्यादा बेसी और लाउड आवाज़ हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये स्विचेस मिलते हैं और ये इसका हैंडल बार, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है यहाँ पे आप। और रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक से काफ़ी पार्ट शेयरिंग करता है। यहाँ पे हैज़ार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ये स्विचेस आपको मेटियोर हंटर के अंदर मिल जाते हैं, 650 मेटियोर के अंदर मिल जाते हैं। साइड मिरर्स भी ऑल ब्लैक और हैंडल बार भी पूरा ऑल ब्लैक मिलता है, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ में आता है, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का जो स्विच है वो भी राउंड शेप में मिलता है, और इंडिकेटर का स्विच उसके नीचे, और उसके नीचे मिलता है हॉर्न का स्विच। और हैंडल के ऊपर ग्रीप बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, जब इसको पकड़ते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे आई का स्विच मिलता है, जिससे आप इसके अंदर जो डिजिटल छोटा सा मीटर मिलता है इसमें विदाउट एनी एफर्ट ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। लीवर भी काफी कंफर्टेबल है और पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब साइड मिरर्स की अगर बात करें तो ये आपको वही कलर स्कीम के साथ मिलते हैं, जो कि मैट फिनिशिंग आपको जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन है बट लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर नहीं ऑप्शन है लगाने का, बट यहाँ पे दे रखा है। चाबी की अगर बात करें तो वेव की आती है, जो कि रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है कि इनकी दूसरी चाबी नहीं बना सकते हो, ये चोरी नहीं हो सकती है बाइक, बट होती है। मेरे भी दोस्त की एक चोरी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉकिंग सिस्टम, आप समझ सकते हो प्रॉपर लिखा हुआ है, और ये भी बाइक के अंदर काफी बड़ा अपडेट है। यहाँ से आप देखोगे तो लॉकिंग सिस्टम प्रॉपर आप समझ पाओगे, और ऊपर से ही पूरी लॉक हो जाती है। अब इसको चाबी को ऊपर से निकाल के नीचे लगा के उसको लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो काफी अच्छा अपडेट है। यहाँ पे डिजिटल मीटर आप देखोगे, आई का बटन यहाँ पे है, तो इसको ट्रिप एडजस्ट करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रिप यहाँ पे पहले सबसे पहले टाइम आपको शो कर देता है, फिर आपको ओडोमीटर आ जाता है, फिर आपका ट्रिप 1 आ जाता है एंड ट्रिप 2, देन ट्रिप एफ आ जाता है जब आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ऊपर मिलता है आपको फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको फ्यूल दिखा देगा कि कितना फ्यूल आपके है, ऊपर इंडिकेटर्स बैटरी का, ABS का, फ्यूल का, और उसके बाद इंडिकेटर्स का यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, लाइनिंग मिल जाती है मीटर के अंदर, और साथ ही ओल्ड स्कूल की तरह यहाँ पे आपको नंबरिंग मिल जाती है, जो कि स्पीड की नंबरिंग है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको कवर कर दी, जो कि हैंडल के ऊपर आती हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देखो सबसे पहले तो हैलोजन बल्ब इंडिकेटर जो कि चारों एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब ये हैजार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये हैजार्ड का ऑप्शन इसके अंदर है तो काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको एसेसरीज का पार्ट जो कि लेग गार्ड है, 4000 रुपए इसकी प्राइसिंग। और ये आपको ऑन रोड के अलावा पे करने होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्योंकि सभी एसेसरीज के पैसे मैं अलग अलग बताऊंगा। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं इस बाइक के अंदर और ये एल्यूजन क्रिएट करते हैं USD सस्पेंशन वाले, काफी बड़े वाइड इसको बना दिया। यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिल जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बाइक का कोई भी पार्ट देख लो यहाँ पे आपको मिल जाता है, रिफ्लेक्टर और उसके बाद 300mm का बड़ा डिस्क ब्रेक विद ABS। तो सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी बाइट आती है ब्रेकिंग में। यहाँ पे देखो ABS का जो यहाँ पे चैनल दिख जाता है आपको, पीछे बाइपर के कैलिपर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बाइट है इनकी। नो डाउट मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की टेपिंग देखने को मिल जाती है, सीएट के टायर मिलते हैं और टायर साइज जब आप इसका देखते हो तो काफी अच्छा आपको 19 इंच के बड़े टायर मिल जाते हैं, 190 सेक्शन के 19 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। अलॉय व्हील आप देख रहे हो पूरे मैट फिनिशिंग के साथ में मिलते हैं, ब्लू कलर की टेपिंग। उस साइड से मैं अगर आपको उसका अलॉय व्हील दिखाऊं तो ये कंपनी फिटेड आपको मिलते हैं गन मेटल ग्रे डार्क एडिशन के अंदर ही सिर्फ आपको ये मिलते हैं, बाकी अदर वेरिएंट्स के अंदर आपको स्पोक्स व्हील मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बाइक तो इसकी चेसिस, यहाँ पे डुअल क्रेडल फ्रेम के साथ में यहाँ पे चेसिस बनाई है कंपनी ने, न्यू इंजन के साथ में न्यू चेसिस, यानी कि अब इसकी वाइब्रेशन बहुत कम हो चुकी है इस फ्रेम के बाद। और यही सेम फ्रेम आपको मेटियोर और हंटर के अंदर भी देखने को मिलती है, सेम इंजन के साथ में सिंगल हॉर्न मिलता है वही काफी होता है क्योंकि इसका साउंड काफी लाउड रहता है। इंजन की बात कर ले तो इसमें अगर आप 100 क्रॉस जाते हैं तभी वाइब्रेशन होती है, वो भी ज्यादा नहीं होती बट 100 से अगर नीचे रहते हैं तो काफी कम रहती है। यहाँ पे ये फुटपेक्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये चौड़ा वाला लगा हुआ है और यहाँ पे ये वाला मिलता है आगे में और पीछे भी। इसको 1500 रुपए देकर अलग से लगवा सकते हो। 5 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं और इस बाइक की टॉप स्पीड 125 तक आराम से पहुंच जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे मैट फिनिशिंग के साथ में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी, यानी कि अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, डबल स्टैंड का भी ऑप्शन है। और 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो काफी अच्छी खासी इंडियन रोड के हिसाब से, कहीं भी टकराती नहीं है, आप बाइक को कितने भी आराम से चलाते हो। यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिल जाती है और क्लासिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है, बस एक यही पार्ट आपको ग्लॉसी मिलता है पूरी बाइक के अंदर। और यहाँ पे हुक मिलता है, इसको पकड़ के आप इस डबल स्टैंड में भी काफी आराम से लगा सकते हो और सामान वगैरह भी इसमें बांध सकते हो। पीछे का जो ये कार्ड है ना ये प्रॉपर मेटल का है और यहाँ पे भी आपको लेडीज फुटरेस्ट मिलता है जो कि 350cc की बाइक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मिल जाता है, काफी अच्छी चीज है। सबसे बढ़िया बात इस बाइक के अंदर बकेट सीट का भी ऑप्शन है, ये वाली सीट अगर आप टूरिंग सीट भी से कहते हैं लगवा सकते हो, 5000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। ये वाली इसके अंदर नहीं आती है, ये काफी सिंपल सीट मिलती है सब वेरियंट्स में और ये काफी सिंपल ग्रैब रेल्स भी मिलते हैं, यही स्टैंडर्ड आते हैं। और ये एक्सेसरीज का पार्ट है जो सीट्स मैंने आपको दिखाई बकेट सीट। यहाँ पे टैंक में जो काफी अच्छा यूनिक कलर मिलता है ग्रे कलर जो कि मैट फिनिशिंग के साथ में आता है, यहाँ से आप डिटेलिंग इसकी देख सकते हो। और ये कलर हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है क्योंकि काफी प्रीमियम कलर देखने में लगता है, सबसे अलग एक हटके ये कलर आपको देखने को मिल जाता है। मेरा भी फेवरेट यही कलर है, मैंने भी यही कलर लिया है क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे डार्क एडिशन क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी मुझे वेरिएंट लगता है। अलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर और यहाँ पीछे आप देख रहे हो बैक रेस्ट है जिसकी प्राइसिंग 2700 रुपए जाती है, सिंपल वाला आता है ये, आप चाहो तो लगवा सकते हो। ये एसेसरीज का पार्ट है, पीछे रॉयल एनफील्ड का स्टिकर और ये अमर गार्ड जो कि पूरा मेटल का आता है। पीछे ये पार्ट पहले स्क्वायर टाइप आता था जो पहले वाली क्लासिक आती थी बट यहाँ पर राउंड शेप में कर दिया है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलते हैं हैजार्ड ऑप्शन के साथ में, चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। और टेल लाइट आपको राउंड शेप में ही मिलती है जैसे कि पहले आती थी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है हैलोजन बल्ब के साथ ही। मेटल का मडगार्ड जैसे कि पूरी बाइक ही मेटल की आती है। टायर सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं इसको टायर दिखाता हूँ जो कंपनी का आता है, सीएट का टायर आता है इसके अंदर और यहाँ पे आपको दिखेगा 120/18x18 इंच के अलॉय व्हील्स जो कि पीछे आते हैं और आगे मिलता है 19 इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लू कलर की टेपिंग और यहाँ पे अलॉय व्हील्स जो कि पूरा ही आपको ब्लैक के साथ में मिलेगा। चेन मिल जाती है ऊपर ही साइड में चेन कवर और यहाँ पे जो आप पीछे वाला सस्पेंशन देखोगे वो भी मैट फिनिशिंग के साथ में मिल जा रहा है पूरा ब्लैक, जो हर कहीं इन्होंने मैट फिनिशिंग दे रखी है, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर, तो मेरे लिए तो काफी अच्छी चीज है। फ्रंट में आप देखते हो सिर्फ यहाँ पे क्रोम मिलता है और यहाँ ब्लैक का पार्ट मिलेगा थोड़ा सा हेड के ऊपर, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। कैप जो दे रखा है सभी वेरियंट्स में मिलता है, फ्रंट में मिलता है आपको प्रॉपर मेटल का मडगार्ड, यहाँ नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करी हैं और यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग मिल जाएगी साइड मिरर्स के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें डिटेल कवर हो चुकी है बाइक के बारे में। 2,55,000 रुपए 50,000 रुपए इसके प्राइस वेरी करता है ऑन रोड, एसेसरीज अलग से लेनी पड़ती है। और अगर अभी भी आप किसी को कंफ्यूजन है कि क्यों हटा दी है और समझ में नहीं आया तो मैं काफी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले कार्बोरेटेड इंजन आते थे, अभी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। पहले बिना बैटरी के भी अगर आप धक्का मार के स्टार्ट करना चाहते हो तो हो जाती थी बट अभी पॉसिबल नहीं है विदाउट बैटरी। अगर आपकी बैटरी में थोड़ी सी भी जान है, थोड़े
वोल्टेज है तो वो आपकी बाइक को स्टार्ट करने में पूरी मदद करेगी, स्टार्ट कर देगी। बट क्या होगा, बिना बैटरी के आप नहीं कर पाओगे। बैटरी के अंदर जो भी पावर है वो फ्यूल पंप को सप्लाई देगी, और फ्यूल पंप से सप्लाई जाने के बाद फ्यूल पंप आप पेट्रोल रिलीज करेगा इंजन के अंदर, तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म काम करता है, और साथ साथ ECU सेंसर ये सभी चीजें काम करती है, तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकली मैकेनिज्म चलता है अब न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे इंजन में किक की कोई जरूरत नहीं है, अगर किक लगा भी देंगे तो उससे बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इस वजह से सभी कंपनीज ने बाइक्स के अंदर किक्स देना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप और भी अदर बाइक्स की बात कर रहे हो रॉयल एनफील्ड की, तो इन सभी का प्राइस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है जिसमें सभी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के प्राइस है, चाहे वो भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।